नौशाद अली भारतीय सिने जगत की संगीत की दुनिया का वो नायाब सितारा जिसने भारतीय सिने जगत के संगीत को अपनी अमूल्य देन दी है। एक तरफ संगीत तो दूसरी तरफ गायक, एक से बढ़कर एक संगीतकार उस जमाने में, आज भी ताजमहल जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना संगीत दिया। संगीत जिनके लिए इबादत है, संगीत जिनके रोम रोम में बसा है, सुरों से लेके शब्दों तक के शिल्पी नौशाद। नौशाद साहब, आपने फिल्मी दुनिया को बहुत से शायर, बहुत से संगीतकार, बहुत से ग्लूकार दिए। नौशाद को नौशाद बनाने वाले कौन लोग थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आदाब पेश करता हूँ कि आज हमारे दूरदर्शन के डीजी साहब कुरैशी साहब इस गरीब खाने में तशरीफ लाए, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस इज्जत अफजाई का। आपने जो सवाल फरमाया है कि मुझे नौशाद बनाने वाला कौन था, तो हुजूर मैं चोरी छुपे लखनऊ में सीखता था यूसुफ अली साहब से और उस्ताद बब्बन साहब से, ये मेरे गुरु थे। वालिद साहब चूँकि मेरे इसके ख़िलाफ़ थे मौसीकी के, तो मैं चोरी छुपे सीखता था। तो वहाँ मैंने ये सबक पाया, घर से निकाला गया इसी गुनाह पर कि तुम अगर मौसीकी चाहते हो तो घर छोड़ो। मैंने घर छोड़ दिया था, बम्बई आया, उस्ताद झंडे खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये बड़े गुनी, बड़े जानकार, माहिर फन जिन्हें कहना चाहिए, और वो एक पिक्चर में म्यूज़िक दे रहे थे। मुझे मौका मिला उनके साथ उनकी खिदमत करने का, उनका असिस्टेंट भी मैं बना। वो ऐसे फरिश्ता खसलत इंसान थे कि हर बुज़ुर्ग के दरबार में जाएं, किसी खानकाह पर जाएं, मेरे लिए दुआ करते थे कि इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे मुझसे उनको इतना लगाव हो गया था। बार कैफ झंडे खान साहब से मिलने के बाद मुझे ये लगा कि मौसीकी इबादत का दर्जा रखती है, इसलिए कि वो एक रोज़ सुबह में उनको लेने गया, वो पलंग पर अपने बैठे हुए थे, हारमोनियम आगे रखा था, कुछ बना रहे थे और रो रहे थे। मैं पहुंचा तो हजार कतार रो रहे हैं, मैं डर गया। मैंने कहा खान साहब खैरियत है, कोई घर से कोई बुरी खबर तो नहीं आई खुदा न खास्ता। तो मुझे देख के और रोने लगे। अरे मैंने कहा गड़बड़ हुआ कुछ। मैंने कहा उस्ताद फरमाइए क्या हुआ। कहने मैं गुनहगार, मैं दोजक का गुंडा, मैं कमीना, अपने आप को कोस रहे, मुझ में कोई तो खूबी नहीं है, मैं उसके एहसान उसकी करम फरमाई पर रो रहा हूँ। देखो मुझसे हाल, मेरे हाथ से ये ट्यून बनवा दिया उसने, उस पर रो रहे थे। और वहीं बलासी में कुछ उन्होंने बनाया था, सुनाया, मुझे भी रुला दिया। मुझे वहाँ से ये एहसास हुआ कि वाकई ये इबादत का दर्जा रखती है चीज़। हम लोगों ने आज उसको व्यापार बना लिया है, लेकिन ये तो इबादत का दर्जा रखती है। और उनका ये आलम था, बस वो बनाते थे और रोते थे, और बस वो लव लगी रही थी उनकी खुदा की तरफ। कह रहे भाई ये तो वो सुनता है और हुई तो ये आमद देता हमको। तो साहब उन्होंने मुझे बहुत कुछ मेरे लिए दुआएं की, वरना मैं जाहिल मतलब कल भी था आज भी हूँ, मुझे कुछ नहीं इसका ज्ञान है। तो ये मैं फिर संगीत प्रेमियों का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने जब मैंने प्रेम नगर में म्यूजिक दिया, मोहन भवनानी साहब की एक फिल्म थी प्रेम नगर, उसमें मैंने म्यूजिक दिया, लोगों ने हिम्मत अफजाई की मेरी और मुझे वहाँ से समझ लीजिए कि मौका मिला आगे बढ़ने का। फिर कारदार साहब ने कारदार प्रोडक्शन बनाया, उनके साथ शामिल हुआ, मैंने 15-16 पिक्चरें उनके साथ की, उसमें मैं सुरैया को प्लेबैक सिंगर बनाया, टुनटुन को लाया। दिल दे पड़ार का आंखों में
मैंने शायर और सिंगर काफ़ी ये आपकी दुआ से इंट्रोड्यूस किए, शकील बदाई उन्हीं को मैं एक मुशायरे से लाया, मजरू सुल्तानपुरी साहब को लाया एक मुशायरे से, अंजुम पीली भीती साहब को लाया, ऐसे कई शोराओं को मैं लाया इसमें और उनको उनका तारुफ कराया। बहरहाल ये मैं चाहता था कि हमारी जो मौसीकी है जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत या भारतीय संगीत, इस फिल्म मीडिया से ये पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ये भूत सवार रहा सर पर कि इस मीडिया से कुछ ऐसी बात जाए आवाम तक कि ये हमारा म्यूजिक है, ये हमारा संगीत है। तो ये हमने कोशिश की और आज भी मैं उसी कोशिश में रहता हूँ कि इस मीडिया से लोगों तक अपनी बात कही जाए, अपने कल्चर, अपनी तहजीब, अपने अदब की बात कही जाए। और मैंने पंडित पलुस्कर जी को जब बैजू बौरे में दरख्वास्त की तो कहने भाई किसी महफिल में ले चलो, कोई संगीत सम्मेलन में, फिल्म वगैरह में मैं नहीं गाता। मैंने कहा हुजूर आपसे एक दरख्वास्त है, कहिए क्या बात। मैंने कहा कि आप संगीत सम्मेलन या महफिल में गाते हैं, कितने लोग सुनते हैं आपको एक रात में? 500,000। इसमें आप गाएंगे तो कई करोड़ आदमी आपको एक रात में सुनेंगे कि जो फिल्म रिलीज होती है उसके 70-80 प्रिंट रिलीज होते हैं, 100 प्रिंट रिलीज होते हैं, 4 शो एक एक थिएटर में होते हैं, 2,000 लोग आते हैं एक एक शो में, तो कितने लोगों ने एक रात में आपको सुना? तो आपकी गायकी लोगों तक इस तरह से पहुंचेगी। तो कहना ये बात आपकी ठीक, उस पर रजामंद हुए। मैं उस्ताद अमीर खान साहब को इसी बात से लेके आया, उनकी खुशामद की। बड़े गुलाम अली खान साहब को लाया। मेरा यही एम था कि ऐसे ऐसे बड़े जो गायक हैं, बजायक हैं, इनको इस मीडिया से लाया जाए। उस्ताद हलीम जाफर खान सितारे से उनको मैं लाया, इस तरह से अमित खान साहब को लाया मैं, उस्ताद नवाज विलायत खान साहब के भाई, रईस खान मेरे साथ आए उनको लाया मैं। तो ये मेरी कोशिश रही कि अपना गीत अपना संगीत इस मीडिया से लोगों तक पहुँचाया जाए, जिसमें किस हद तक मैं कामयाब रहा या नाकाम रहा उसका फैसला संगीत प्रेमियों पर छोड़ा हुआ है मैंने। लेकिन मैं आज भी दरख्वास्त करता हूँ सबसे कि आप ये आवाज़ उठाइए। मैंने हमेशा कहा कि ठोकरे खाइए, पत्थर भी उठाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए, दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते चलिए। आप अगर आवाज़ मिलाएंगे मेरी आवाज़ में तो ये बदलेगा। इसलिए आज जो मीडिया से दिया जा रहा है ना, उसमें हमारा गीत है ना संगीत है ना कुछ है, ना पहरावा वहरावा कुछ नहीं है हमारा। इंडियन पिक्चर में नाम होता है हिंदी लेकिन उसमें हिंदुस्तान नहीं होता है, लोकेशन होते हैं सब बाहर के, कोई पेरिस और लंदन और वहाँ के लोकेशन तक यहाँ के नहीं होते, ना लिबास होता है। आपने नौशाद साहब इतने गायक पैदा किए, कौन से गायक सिंगर जो आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए अब वैसे सभी अपनी अपनी जगह बेहतर थे और बेहतरीन थे, अच्छे थे, और ख़ासतौर से जिन लोगों को नहीं भुला पाए लोग उसमें एक मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मुकेश हैं, लता मंगेशकर भी आपकी दुआ से, हीरोइन का पहला गाना हमने गवाया महबूब साहब की फिल्म में नरगिस का प्लेबैक, उठाए जा उनके सितम और जिए जा यूँ ही मुस्कुराए जा आंसू पिए जा, उनकी ज़बान दुरुस्त कराई चूँकि ज़बान में महाराष्ट्रियनपन था, जे को जे और काफ को काफ, तो वो सब अपने दुरुस्त कराया, उस पर मेहनत की।
कि भाई कुदरत कहो और ये जंजीर है, जंजीर नहीं है, ऐसे मतलब ये कि इस तरह से जबान। और गजल महबूब साहब मुखालफ हो गए, अरे वो महाराष्ट्रीय लड़की गजल कैसे गाएगी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा साहब ये हमारे मैदान है, हमारी फील्ड है, आप इसमें दखल ना दीजिए। तो मैंने उसको 10-15 रोज रिहर्सल कराई और उसकी हिम्मत बढ़ाई कि देखो तुम्हारे सिवा कोई अकलमंद नहीं है, और रिकॉर्डिंग में सब पहला टेक ओके होना चाहिए। उस वक्त फिल्म पर जाते थे, टेप भी नहीं था। तो साहब उसको हम तैयार करके ले गए, पहली रिकॉर्डिंग मेरा चकूर साहब बैठे हैं रिकॉर्डिंग बूथ में, दिलीप साहब हैं, महबूब साहब, सरदार अख्तर, वो देख गए ये लोग सब सुनेंगे। अरे मैंने कहा ये सब बहरे हैं, मालूम है तुम्हें, सुन नहीं पाते। अच्छा हाँ, मैंने कहा इस वक्त तुम्हारे से आप कोई अकलमंद नहीं, तुम एक अकलमंद हो। म्यूजिशियन को सबको कह दिया था इसकी हिम्मत बढ़ाना, सब म्यूजिशियन अरे वाह वाह बहुत अच्छा गा रही हो, शाबाश चलो। पहला उसने पहले ही टेक गाया और ओके सर, वो आके उठा लिया गोद में कि अरे अरे कहाँ से लाए तू? सहारा लिए जाओ एक नजर का, सहारा लिए जा उठाए जा उनके पिता। तो फिर राज कपूर साहब ले गए अपनी पिक्चर बरसात, उसमें गवाया उसको। इस तरह से मोहम्मद रफ़ी साहब भी आए, पहला कोरस गवाया था हमने, 10 रुपये उसके दिए थे उनको, हिंदुस्तान के हमें हिंदुस्तान हमारा एक कोरस था। तो कहने कोरस में गवा दीजिए, तो हमने कहा उसमें तुम्हें क्या मिले, कहने साहब मौका मिल जाएगा गाने का, तो 10 रुपये उनको दिए गए थे। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई, तो आखिर वक्त तक मेरे साहब को उसी तरह से रहे। मुकेश साहब ये लोग बड़े आला इंसान थे और सीखे हुए थे, उस्तादों से सबक लेके आए थे। तो मैंने हर एक को यही कहा कि देखो जो सीख के आता है उसके गाने की उम्र ज़्यादा होती है। आज आप लोग जो आ रहे हैं गाने, जितने गाने वाले या गाने वाली हैं, मैं लता जैसा गाती हूँ, मैं आशा जैसा गाती हूँ, मैं रफ़ी जैसा गाता हूँ, मैं कहता हूँ अपना गाना सुनाइए, और अपना गाना आप उसी वक्त सुनाएंगे जब सीख कर आएंगे। तो सीखिए, जो सीख कर आए थे उनके गाने की उम्रें ज़्यादा हुई, चाहे मन्ना डे साहब, लता भाई या आशा, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब, हेमंत कुमार, वो भी मेरे साथ, उनको भी मैंने मदर इंडिया शबाब में गवाया। आज भी लोग याद करते हैं, चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झलाऊ नेंदिया को सोरी, हेमंत कुमार साहब से गवाया। तो बहरहाल लता मंगेशकर अपने अच्छे तलफ्फुज़ के लिए मशहूर है, और आपने ही उनको सबसे पहले उनके तलफ्फुज़ की तरफ ध्यान दिलाया भाई, उनको ये बात याद है? अब उनको याद हो ना याद हो, लेकिन मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं चाहता हूँ। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि राहबर होता है रास्ता बताने वाला कि आप फला जगह जा रहे हैं, ये इतने नंबर की बस लीजिए, वो फला जगह जाएगी और सामने वो लैंप पोस्ट के सामने वो घर है, पर रास्ता बता दे। चलने वाले के पैरों में ताकत होना चाहिए, तो फिर उसकी जानिसारी काम के लिए कहना चाहिए कि रियाजत ये शामिल थी उसमें, वो कोई मैं क्रेडिट नहीं चाहता हूँ। और उनके घराने का था संगीत, मोहम्मद रफ़ी के घराने का संगीत नहीं था, मुकेश कोई संगीत घराने के नहीं थे, ये लोग सीख के आए थे उस्तादों से। हिंदुस्तान के कौन से साज हैं जो उन्होंने पश्चिमी संगीत को इन्फ्लुएंस किया जी, वो कौन से हैं? देखिए हिंदुस्तानी साजों का अगर हम नाम लें और फहरिस्त उसकी बयान करें तो बड़ा मुतवील किस्सा हो जाएगा। देखिए पहले भी चित्रवीणा भी इस्तेमाल होती थी, वट्टाबीन भी इस्तेमाल होती थी, सुरबहार भी इस्तेमाल होता था, सारंदा भी इस्तेमाल होता था, सारंगी से बड़ा होता था उसको सारंदा कहते थे, हमने इस्तेमाल भी किया उसे। और उसकी उसका साउंड इन्हें 4-5 वायलिन से ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता था वो। फिर उसके अलावा और बहुत से साज, जल तरंग, तबला तरंग, दुग्गी तरंग, पंजाब
के ढोल, राजस्थानी ढोल, बंगाल ढोल, खोल, ये तमाम रिदम के साथ नकारा, ताशा, ये सब हमारे साथ थे, जिसमें आज जो वहाँ पर पॉप म्यूजिक में जो रिदम बज रहा है, ये हमारे फोक का रिदम है। आप, मैंने एक नमूना पेश भी किया था, गंगा जमुना नैन लड़ जाइए तो मन मामा का सब खोए करी, देखिए वही रिदम है। तो ये तो हमारा पुरखों से चला आ रहा है, तो वो उन लोगों ने वो रिदम लिया हमारा, तो ये। लेकिन आज मुझे इसका अफसोस होता है, इस बात का बेहद, कि आज हम साजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज अमेरिका ने, यूरोप ने बना के एक साज भेज दिया है, सिंथेसाइजर, वो इलेक्ट्रॉनिक का, आज सारा म्यूजिक उससे हो रहा है। हमारे साजिंदे जिन्होंने 8-10 साल रियाज किया था, गुरु से सीखा था, वो मुंह देख रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। आज तबला बजाने वाला, पखावज बजाने वाला है, वो खड़ा हुआ मुंह देख रहा है, सारा साउंड उससे लिया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक साज से। तो बहुत से उस्ताद अपने बच्चों को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा दर्जी का काम सीख लेना, कोई सुतार का काम सीख लेना, ये नहीं बजाना, नहीं तो तुझे रोटी कहाँ से खाएगा। तो ये बड़े सोचने की बात है। मुमकिन है चंद दिनों में म्यूजियम में रखे हुए साज दिखे आपको कि हिंदुस्तानी साज थे। तो ये जो सिंथेसाइजर से जो साउंड निकाले जाती हैं, ये तो महसूस हो जाता है कि ये रियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं, लेकिन और कुछ दिन बाद इसके खिलाफ एक रिएक्शन शुरू हो ही जाएगा, मगर कब होगा, काफी देर हो चुकी है। तो वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो किस्सा है, तो ये बहुत काफी देर हो जाएगी इसके लिए। इसलिए मैं अभी से, कब से ही आवाज़ उठा रहा हूँ और आज भी आपके सामने ये दोहरा रहा हूँ कि हमारे म्यूजिक कंपोजर्स को, फिल्म प्रोड्यूसर्स को इसके लिए सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ बुरा साज है, साज की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस साज का जहाँ तक काम है उतना ही उससे लीजिए, बाकी जो काम है जो साजिंदे हैं उनका इस्तेमाल तो कीजिए, वरना हमारा ये संगीत और हमारी पहचान आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है। और आज के बच्चे जानते नहीं हैं कि हमारा संगीत क्या है, वो पॉप म्यूजिक जो फिल्मों से सुनाया जा रहा है उसी को वो समझते हैं कि ये हिंदुस्तानी संगीत है। रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हुई है पिछले सालों में, कभी आपको ये ख्याल आया कि आज अगर मैं पुराना वो गीत रिकॉर्ड करता तो उसको और ज्यादा अच्छा कर सकता था? आज भी देखिए उस वक्त की फिल्में, जैसे हमारी मुगले आजम है, बैजू बोहरा है, संघर्ष है, मेरे महबूब है, ये टीवी वाले बताते रहते हैं तो लोग कहते हैं ये बड़ा प्लीजिंग साउंड लगता है, इसमें शोर वगुल कम है। तो वो उस वक्त एक ही टेक में पूरा गाना रिकॉर्ड किया जाता है। उस वक्त का क्या था कि जाने वाले का भी एक मूड आता था कि सामने साजिंदे भी है महफिल की तरह, और कि भाई खुशी का गाना है तो वैसे ही सब लोग बजा रहे हैं और सिंगर गा रहा है। आज पहले साउंड ट्रैक रिकॉर्ड कर लिया जाता है, अब सिंगर को अंधेरे में रूम में खड़ा करके हेडफोन दे के भाई खुशी का गाना है तो वो बेचारा जबरदस्ती कुछ मुस्कुरा रहा है और गा रहा है, सब आर्टिफिशियल लगता है। और फिर एक एक लाइन आज रिकॉर्ड हो रही है कि फर्ज कीजिए, रोलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले, ये मतला है। अब उसको अब आंसू फिर से कह दीजिए, वो ज़रा ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। अब आंसू इतनी इतनी लाइन रिकॉर्ड हो रही, तो उसमें एक सुई जिसको कहते हैं वो कहाँ कायम रहेगी। पहले जो गाने होते थे उसमें मूड कायम रहता था, शुरू से आखिर तक वो गाना गाया जा रहा है और उसी तरह से उस मूड में हो रहा है। तो वॉइस का वॉल्यूम, उतार चढ़ाव सब उस गाने के हिसाब से एक ही लगता था।
आज कहीं आपको वॉल्यूम यूँ लगे, कहीं यूँ लगे, उसको लाग बैलेंस कीजिए, मूड वो बदलता जाता है। इस वास्ते आज भी जो पुराने गाने हैं, ग्रामोफोन कंपनी HMV के पास कॉपीराइट है उन गानों का, वो उसने टीवी पर भी कहा, ग्रामोफोन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने, कि आज भी HMV जिंदा है पुराने गीतों पर, 50 साल पुराने गीत आज भी बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं साहब? तो मैंने कहा उसमें देखिए हम लोगों को कोई कमाल नहीं, हमारे भारतीय संगीत का कमाल है कि उसको हमने पुरानी शराब को नई बोतलों में भर के आपके सामने पेश किया, इतना ही हमारा काम था। वो तो आपका संगीत है, इस धरती का संगीत है, इसको फरामोश न कीजिए, इसको जिंदा रखिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि 50 साल पहले आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया जो बहुत कामयाब हुआ, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में अगर आप करते तो उसको कुछ और बेहतर करने का टेक्नोलॉजी से आपको कोई मौका मिलता? यकीनन, अगर उस वक्त के गाने आज की टेक्नोलॉजी से हम रिकॉर्ड करते तो यकीनन बेहतर हो जाते। इसलिए आज बहुत सहूलियत है, बहुत फैसिलिटी है। उस वक्त हम लोग एक ही यानी ट्रैक होता था और एक ही माइक्रोफोन होता था, उसी पर म्यूजिशियन, उसी पर सिंगर, तो सब एक माइक्रोफोन पर गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और उसमें हमको रिहर्सल करना पड़ती थी इस बात की कि तुम्हारा फ्लूट का सोलो पीस आ रहा है, तुम पीछे खड़े बजा रहे हो, प्रेजेंस नहीं आएगी, इतने बार के बाद हम इशारा करेंगे, तुम चप्पल उतार के आना और वो कंधे पर रख के सिंगर के अपने पीस बजा के फिर लौट जाना, तबले का कि कमर बांध लो तबला, तुम्हारा सोलो पीस आएगा तो इशारा करेंगे, तुम आके वहाँ बजा के लौट जाना अपने पीस। इस तरह से रिहर्सल करते थे इसकी कि ये सब अब आसान हो जाएगा। हाँ, ये अब आसान हो गया, इसलिए कि सबके लिए माइक्रोफोन अलग अलग दिया जाता है। तो ये यकीनन आपने जो फरमाया कि आज की रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं, साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन संगीत ने, संगीत का जहाँ तक सवाल है उसके लिए मुझे अफसोस है कि उस तरक्की के साथ संगीत पीछे होता गया है जो हमारा संगीत है, इस देश का संगीत है। तो टेक्नोलॉजी जो आई बाहर की उसमें बाहर का संगीत भी क्यों शामिल कर दिया गया है? तो बहरहाल यकीनन आपका जो फरमाना था कि आज की टेक्नोलॉजी पर अगर हम बैजू बोरा की रिकॉर्डिंग करते तो यकीनन बहुत बेहतर होता। आपने संगीत की दुनिया को इतना दिया, आपके घर में कोई और भी है जो इस ट्रेडिशन को चलाएगा? कोई नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी बीवी मरहूम, वो कहती थी किसी को इस पागलपन की लाइन में मत डालना, तो तुम पड़ गए इसमें, मुझे नहीं चाहिए कोई मेरा घर का कोई बच्चा या बच्ची इसमें जाए। कई हमारी लड़कियां ऐसी थी, बड़ी सुरीली थी, मगर खबरदार वो अगर कभी आवाज़ निकाले तो मना करती थी। अच्छा, वो लखनऊ की थी, वो भी सूफी घराने की थी, तो वो नहीं 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 ये हमको नहीं पसंद है। तो बहरहाल कोई इस लाइन में नहीं आया। बहरहाल मैं उनका भी ममनून एहसान हूँ, ये जहाँ हम आप बैठे हैं ये घर भी उन्होंने बनाया था मरहूम ने। और तो जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ तो वो कुछ कहना चाहती थी, बोल नहीं पाती थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक बहुत सेंटिमेंटल बात है। हमारी लड़कियाँ सब अमेरिका से आ गईं, माँ की सेवा करती रहीं, खिदमत करती रहीं। तो बड़ी लड़की ने कहा कि जब माँ कहना चाहती हैं तो हमने बेटी बोल तो सकती नहीं। खैर, वो मैं चला गया, मैं फुटपाथ पर रात के 2 बजे तक टहलता रहा। फिर बेबी ने आवाज़ दी कि अम्मा को इंजेक्शन दे दिया, सो गई। तो आइए, नींद का इंजेक्शन दिया जाता। तो मैंने सब बच्चों को खड़ा किया, मैंने कहा क्या कह रही थी तुम्हें अम्मा? कहने अम्मा वो बोल तो सकती ही नहीं थी। तो मैंने कहा तुमने उनकी आँखों की जबान नहीं समझी, जानती हूँ क्या कह रही थी। मैंने कथा कहा था जो टहलता रहा था, मैंने कहा वो कह रही थी कि मैं उस जज्बात में आ जाता हूँ, सेंटीमेंट में, वो मौके का सब मंजर आ जाता सामने।
फिर उसी तरह कलेजे से लगा लो मुझको, फिर उसी तरह कलेजे से लगा लो मुझको, गिरती दीवार हूँ लिल्लाह संभालो मुझको, जिसने फल फूल दिए, साया दिया, प्यार दिया, मैं वही पेड़ हूँ, मरने से बचा लो मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने हमको एक बहुत यादगार इंटरव्यू दिया।